हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग सिद्धार्थी। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज है एक रेसिपी शेयर करूँगी। यस, मैं कर रही हूँ मोमोज की बात। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये जो मैं बना रही हूँ रेसिपी ये पसंद आती है और जो मैंने बनाया वो पसंद आता है, तो मेक श्योर एक लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलते हैं किचन में, अभी तो मैं रूम में हूँ, चलते हैं किचन में और वहाँ पर मोमोज के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले चटनी के लिए यहाँ मैंने 10 से 12 यहाँ पर लाल मिर्च ली है, 6-7 मैंने लहसुन की कली ली है, 1 पिंच अदरक का लिया है और 8-10 मैंने काली मिर्च ली है। ये चटनी के लिए बनाना है, चटनी के लिए यूज़ होगा। और इसके अलावा स्टफिंग में मोमोज़ की कुछ भी भर सकते हैं, वेजिटेबल्स भर सकते हैं, पनीर वगैरह जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिया है एक फूल गोभी, छोटा सा फूल गोभी लिया है, 8-10 मैंने यहाँ लहसुन लिया है, 1 पिंच अदरक लिया है, 1 छोटा सा प्याज लिया है और यहाँ पर मैंने लिए हैं बीन्स। और इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पर बड़ी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़ी, वो ली है। मैं इसको क्रश करके पहले से अच्छे से धो दूँगी, उसके बाद क्रश इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। तो और इसको बारीक जैसे हिसाब से काटना है। मैं यहाँ पर फूल गोभी को घिसूँगी, प्याज को मैं कट करूँगी, लहसुन अदरक को भी मैं यहाँ पर कट करूँगी और बीन्स को भी यहाँ पर कट करूँगी। फूल गोभी को यहाँ पर मैं क्रश करके घिस के डालूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे चटनी की तैयारी, उसके लिए पैन चढ़ा देंगे गैस में और उसमें मैंने 1 गिलास करीब पानी डाल दिया है। और उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट थे, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक और काली मिर्च, इसको पानी में डाल देंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को इस टाइम में हाई में रखना है और ढक्कन से इसे मैं कवर कर दूंगी। 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम में रहेगा, उसके बाद बीच में आप इसको फ्लेम को मीडियम लो फ्लेम में कर देंगे और जब मिर्च कुछ इस तरह से फूल जाए तो गैस को हमें बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में डाल दिया है। इस बीच मैंने यहाँ पर अभी इसमें मैंने रॉक सॉल्ट का यूज़ किया है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्लिप कट हो गई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने रॉक सॉल्ट का यूज़ किया है। और यहाँ पर कलर के लिए थोड़ा सा मैं देगी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ या कश्मीरी लाल मिर्च जिसे बोलते हैं, वो यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए। और मिक्सी में ग्राइंडर में मैं इसको पीस दूँगी। मिक्सी में पीसने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी चटनी का कलर देखिए आ गया है। अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और देखिए चटनी का कलर कितना सुंदर आया है। तो मोमोज की चटनी हमारी रेडी। अब इसके बाद करेंगे मोमोज की जो फिलिंग भरनी है उसकी तैयारी। तो यहाँ फूल गोभी को मैंने क्रश किया है, मतलब ग्रेट किया है, बाकी सबको मैंने कट किया है। और जो भी वेजिटेबल्स आपके अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, मेरे पास जो थी मैंने वो डाल दी है। और फिर जो न्यूटन था बड़ी था उसको मैंने धो के मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद जो बेसिक मसाले वो पड़ेंगे, तो नमक पड़ेगा, नमक हम डो में भी आगे बनाएंगे तो उसमें भी नमक पड़ेगा, तो उस हिसाब से नमक डाल देंगे। और फिर धनिया पाउडर यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला का यूज़ किया है। ग्रीन चिली का मैंने, हरी मिर्च का यहाँ यूज़ नहीं किया है क्योंकि बच्चे ने भी खाना था, इसलिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ, तो आपके पास बटर हो वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच करीब घी यूज़ किया है। घी से ना अंदर थोड़ा ना इसमें ग्रीसी ग्रीसी पन आता है, जब हम खाएंगे मोमोज तो थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, आपके बटर हो तो बटर यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी यूज़ किया है। अब करेंगे डो की तैयारी। मैंने 1.5 कटोरी करीब यहाँ पर मैदा लिया, उसको छान लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा डालना नमक क्योंकि फिलिंग में भी नमक पड़ा हुआ है। और इसके बाद मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। अब इसको पानी
के साथ अच्छे से इस आटे को गूंदना है, और आटा टाइट गूंदना है हमको, जैसे पूरी का गूंदते हैं ना कुछ इस तरीके से हमारा ये आटा तैयार हो जाएगा। अब आटे की छोटी छोटी लोइयां लेनी है, उसको लंबा लंबा बेलना है। इसको हम लंबा लंबा बेल के इसके बराबर नाइफ से बराबर बराबर कट पीस कर देंगे, छोटी छोटी गोलियों में तैयार कर देंगे कुछ इस तरीके से। पहले लंबा लंबा ऐसे बेलना है क्योंकि बराबर बराबर गोलियां बन सके, और इसको कट करके कुछ इस तरह से गोलियां हम बना देंगे। और पतली पतली सी रोटियां, जैसे पूरी की रोटियां बनती है ना पतली पतली, जितना पतला हो सके, क्योंकि जितना पतला मोमोज का बाहर का बनेगा उतना मोमोज अच्छा बनेगा, ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल पतला पतला हमको ऐसे बेलनी है। चाहे तो आप इसमें बेलते हुए थोड़ा सा मैदा का यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ मैदा का थोड़ा सा यूज़ करते हुए बनाया है। अब बिल्कुल पतला पतला हमें बेलना है कुछ इस तरीके से। पहले मैं सारे के सारे जितने भी हैं जो गोलियां हैं उनको अच्छे से बेल दूँगी। कुछ इस तरीके हमारी ये बेल गई हैं। अब उसके बाद मैं एक करके फिलिंग इसके अंदर भरूँगी। ये हमारे फिलिंग तैयार है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको, मैं आराम से आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे भरा है। ये देखिए कुछ ऐसे जैसे साड़ी में चुनट पड़ती है ना उस हिसाब से हम इसको डालेंगे। ये देखिए इसको मैं आराम से आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में नहीं किया है जिससे आपको पता लग जाए कि मैंने कैसे किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको बना के तैयार कर देंगे। तो सारे मोमोज हमने ऐसे ही तैयार करने हैं, ये फिलिंग डाल के, और फिर इसमें जैसे चुनट के डालते हैं ऐसे करते हुए हमको बनाना। तो सारे मोमोज ऐसे तैयार कर देंगे। तो ये हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं सारे के सारे। अब जो नीचे पानी मोमोज का जो बर्तन है उसके सबसे नीचे वाले बर्तन में उसमें पानी रख देंगे गर्म करने के लिए, और पानी को जब तक पानी खोले ना तब तक उसको रखना है, मतलब उबलने लगे अच्छे से पानी। इस बीच हम जिस बर्तन में मोमोज रखने हैं उसको तेल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि मोमोज में हम रखें तो चिपके ना। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ करके तीनों बर्तनों में लगा दिया है। अब तीनों बर्तनों में हम क्या करेंगे, ये जो मोमोज हैं इनको रख देंगे, थोड़ा गैप बना के रखेंगे क्योंकि अभी वो स्टीम होंगे तो ये थोड़ा सा फूलेंगे मोमोज, तो इसलिए इनको गैप बना के रखेंगे एक दूसरे पे चिपके ना वो निकालते हुए। तो इस बीच ये पानी खोल गया है, हमने जो पानी रखा था इसको हमने हाई फ्लेम में रखा था, तो नीचे वाला पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब क्या करेंगे, मोमोज जो हैं एक एक करके इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैं लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसे ढक्कन से कवर कर दूंगी। अभी 5 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम में कर देंगे। तो अभी ये 15 से 20 मिनट हो चुका है, और मैंने भी चेक किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बन चुका है, इसको बंद कर देती हूँ। हाँ 20 मिनट करीब से आराम से हो गए, अब मैं इसकी फ्लेम को करीब बंद, और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से एक बार हमारे मोमोज कैसे बने। चटनी तो हमने ऑलरेडी तैयार कर दी थी, आप देखिए। तो ये मोमोज मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए, और मोमोज पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कितने फूले फूले से बने, इसीलिए हमने इसे गैप में रखा हुआ था। और इसको आप सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे मोमोज को चटनी के साथ। मोमोज हो गए हैं खाने के लिए तैयार, मैं आपको दिखाऊँ बैक कैमरे से, और देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब खाने में पता लगेगा, और खाने में भी अच्छे होंगे। प्यार से बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और चटनी उसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। तो कुछ ये है फाइनल लुक हमारे मोमोज विद लाल चटनी, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर मोमोज, और कैसे लगे आपको मेरे मोमोज, कैसे लगी मोमोज की रेसिपी। तो अगर पसंद आता है तो मेक श्योर एक लाइक कीजिएगा, और
प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपको ऐसे ही अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।